ओके गाइस, तो आज हम आ गए हैं नुमाइश, वो भी दिन में। दिन में आते तो टिकट नहीं लगता, मुझे आज पता चला ये बात। इसमें से सब कुछ 5 रुपए का है? सब 5। अच्छा गाइस, ये सारी चीजें जितनी आपको दिख रही हैं सब 5-5 रुपए की हैं। इतनी क्यूट है, लेकिन हमें लेना कुछ नहीं, बस देखना है। और यहाँ पे सारी चीजें 10 रुपए की हैं, देख सकते हैं आप गाइस। बहुत सारी चीजें मिल रही हैं यहाँ पे। और QR कोड आप पेमेंट भी कर सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा लग रहा है। हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमें लगा कि चलो अंदर चलते हैं, तो हमें पता चला कि अच्छा यहाँ आने पे इतने टाइम टिकट भी नहीं लगती। तब तो और खुशी होगी कि झूले पे तो मैं बैठती हूँ नहीं, घूमना ही रहता है। तो अगर आपको टिकट नहीं देना और झूला नहीं झूलना, तो आप इतने टाइम आ सकते हो। ये हेयर बैंड है, इसमें नकली चोटियाँ लगी हुई हैं, बच्चों के लिए बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत क्यूट। यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो है यहाँ पे चूड़ियाँ। ये वाली तो खासकर बहुत अच्छी लगी, इसमें कि बहुत सारे कलर्स भी हैं, ब्लैक, येलो और बहुत सारे कलर्स, देख सकते हो आप। अगर आपको लेना है आप सुल्तानपुर से हो तो आप एक बार देख लो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को चूड़ियाँ उनकी पसंद की नहीं मिलती हैं अक्सर। यहाँ भी चेकआउट कर लेना, हो सकता है कभी कभी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं हमारी पसंद की। अब यहाँ पर बड़ी तगड़ी बारिश होनी स्टार्ट हो गई अचानक से, बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली। निकल चुके हैं हम, बारिश हो रही है, इसी बहाने आईफोन का आज वाटर टेस्ट भी हो जा रहा है। ऐसा कहते हैं कि आईफोन है वाटरप्रूफ, और बहुत लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, बहुत लोग इसको बॉयल्ड वाटर में भिगा देते हैं, बहुत लोग पानी में आधे घंटे रख देते हैं। तो मैं बारिश में तो टेस्ट कर ही सकती हूँ, वो भी बहुत ही हल्की वाली बारिश, अब हो गई है, धीमी हो गई है, देखते मेरे फ़ोन में कुछ होता है कि नहीं। और आज मैंने लिया हुआ है नया नेक बैंड, जिसका नाम है रॉकर्स C30। अनबॉक्सिंग आपको शॉर्ट वीडियो में दिख जाएगी। ये है हमारा बचपन का स्कूल, आई मीन 12th क्लास तक का हमारा स्कूल है, जिसमें हम आए हैं, हमारी फ्रेंड्स रहती हैं। तो हम लोग सोचे चलो ठीक है, पहले उनसे मिल लेते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। ये सारी जगह जहाँ हम घूमते थे आज पूरी जंगल हो चुकी है। बाप रे, बहुत डेंजर लग रहा है देख के। लो भाई, जो जो KGIC में पड़ा है वो देखो, कुछ उधर नहीं जाना, इधर चल रहा है। यहाँ पे हमें मिला है फ्रेश गुआवा, जो कि हम खा रहे हैं गाइस, और वहाँ से दीदी हमें दे रही हैं करी पत्ता। हम लोग टहल घूम के करी पत्ता भी ले लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे दीदी लोगों ने बहुत अच्छा प्लांटेशन किया हुआ था, देख के दिल खुश हो गया। अपना स्कूल देख के सच में बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पर समोसे वाले अंकल समोसा लगाते थे, और यहाँ पे लड़कियों की झुंड हमेशा इकट्ठा रहती थी। यह है कि इस मोबाइल के पीछे का पोर्शन देख सकते हैं आप, हमारा पुराना स्कूल। कब दिखाया है जी? इसके पहले आए थे वीडियो डाले थे, पहली बात तो वहाँ था हमारा कॉमर्स का क्लास गाइस, आप लोग देख लो जिन्होंने नहीं देखा हुआ है। बहुत बड़ी गली थी। क्या MBA करने? हाँ, मैं MBA करने जा रही हूँ स्कूल से पढ़ के। नहीं यार, यहाँ के बाद केनाई में पढ़े हैं। यहाँ मेरी म्यूजिक क्लास चलती थी। बहुत लड़कियों ने ऐसा र्यूमर फैलाया हुआ था कि यहाँ पे एक कुआं है, इसमें झांकने से चुड़ैल बुलाती है और लोग उसमें गिर के मर जाते हैं। तुम्हारे टाइम पे जो ऐसा हुआ था, लोग ऐसा कहते थे ना, लेकिन था नहीं कुछ कुछ तो रहता नहीं, बस रूमर बता तो रहा है, रूमर है।
फ्रेंड्स हमारा स्कूल ये है जिसमें बहुत दिन बाद आ रहे हैं, मजा आ गया घुस के स्कूल में। अपने स्कूल में जाने में अलग ही खुशी मिलती है। तो हमारा तीसरा स्कूल, पहले स्कूल फिर कॉलेज, अब हमारा यूनिवर्सिटी। हॉस्टल के लिए कॉम लेके मैं आ चुकी हूँ घर। ये है लिली की कॉम जो की होती है बहुत ही, इसको आप पूरे 10-10 साल चला सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। नहीं सबके बारे में सब कंघी चलती भी नहीं, मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगती है। दुकान से ली, वो बोली मैं अपने शादी से इसी से कंघी कर रही हूँ। आज जूही बना रही है तिल का लड्डू। यहाँ पे जूही बहुत अलग मेथड से बनाती है, बहुत टेस्टी बनता है। जिसको तिल का लड्डू बिल्कुल नहीं पसंद होगा वो भी खा सकता है, मतलब बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तो यहाँ पे इसको मिक्स करती है, पता नहीं तिल मूंगफली गुड़ और सब कुछ। एक शॉर्ट वीडियो में मैंने रेसिपी भी बताई हुई थी बहुत पहले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इसको देखना होगा भाई, वो देख ली। अभी अभी आज मैंने चैलेंज शूट किया है ब्लडी मैरी, उसको मेरे चैनल पे जरूर देखिए। इस वीडियो के तुरंत पहले आया होगा, वहाँ पे देखिए रखा है अम्ब्रेला, क्योंकि बारिश का सीजन आ गया है। कुछ यह अपडेट ये है कि ये बढ़ रहा है, इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन इसके ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा लग चुकी है, इसको एक दिन करना है साफ सुथरा। अभी हम छत पर आ गए हैं, बैठे हैं, मौसम अच्छा है। और आपको दिन में ज्ञान की बात दे रही बता रही हूँ, एक बार आपको नेचर के बीच में जरूर रहना चाहिए, ऐसा करने से आपका दिमाग ठंडा रहता है। इस वाले पेड़ को देखने के बाद मुझे लगता है मैं शिमला आ गई हूँ। अभी शाम को चल रही हूँ एक आज ब्लॉग अपलोड करने, वीडियो अपलोड करने, जो कि है ब्लडी मैरी चैलेंज। बहुत ही दिन के बाद मैंने आज रात एक वीडियो शूट किया हुआ था, जो कि मैं अभी अपलोड करने चल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है, जाके ज़रूर देखना। एक यूट्यूबर के लिए सबसे गंदी बात तब होती है जब वो कोई वीडियो डाले और उस पर येलो डॉलर आ जाए, जैसे कि अभी मैंने वीडियो अपलोड किया और इस पर लिमिटेड डॉलर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो आप लोग देख लेना। उसी मेरा ज़बरदस्ती मेकअप कर दी है, बहुत ही घटिया। आंखों में काजल, मैं काजल लगाती नहीं हूँ, लेकिन इसने इतना काजल लगा दिया गाइस। इधर बिंदी भी लगा दी है, पाउडर भी लगाया है, लिपस्टिक भी लगाया है, हेयर स्टाइल भी बनाया है। किस खुशी में पहनी है सर? वैसे आप सुबह से खराब लगती हैं। अभी सुंदर लगने लगी क्या मैं? काफी ज्यादा। इसको पहनाने का क्या मतलब है? मेरी शादी कब हुई? मुझे समझ नहीं आ रहा इन सब चीजों का मतलब क्या है, ये क्यों कर रही है ये सब? समझ भी नहीं पाऊंगी। क्यों नहीं समझ पाऊंगी मैं? जल्दी जल्दी लगाओ मिट्टी। जल्दी जल्दी लगाओ रच के। मैंने और खुशी ने आज देख लिया है हॉरर शॉर्ट फिल्म, तो उसके बाद मैंने खुशी के बांधा हुआ ये काला धागा और खुशी मेरे बांध रही है ये कलावा, क्योंकि हम लोग बहुत डर गए हैं। खुशी ऐसा कह रही है कि हाथ में धागा बांध लो तो तुमको भूत नहीं आएगा घर में, बस उसी से बचने के लिए लोग बांध रहे। वैसे मेरे हाथ में अंदर टिकता नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है। एक ब्राह्मण को बांधना चाहिए हमेशा। बांध लो बहन, भूत 50 निकट नहीं आवे जब खुशी हाथ में राम सुनावे। तो आज का व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्कूल दिखाया, स्कूल कैसा लगा हमारा वो भी बताइएगा। काजल बहुत ज्यादा लगा चुकी हूँ, जा रही रात में सोने, अब फेस वॉश नहीं करूंगी क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है। कला वाला बांध के हम लोग जा रहे हैं सोने। गुड नाइट गाइस, बाय। ठीक है, क्यों हंस रही हो? इसलिए हंस रहा है कि डेली तुम्हें स्वास्थ्य करती। बाय।